हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का अगला पोर्शन कि टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर डिफाइंड फंक्शन। जब आपके सामने डिफाइंड फंक्शन आ जाएगा तो कैसे हम टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि टेंजेंट और नॉर्मल में सिर्फ हम वो चीजें पढ़ेंगे जो कि कोनिक सेक्शन में नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है टेंजेंट नॉर्मल आप पढ़ने जा रहे हैं तो हमसे पूरा कोनिक सेक्शन पढ़वा लो। कोनिक सेक्शन की कुछ चीजें मैं रिवाइज करवा दूंगा, बेसिकली बिल्कुल रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन पूरा कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने जाऊंगा कि आप यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोनिक सेक्शन दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर, एकदम दिमाग में रहे। टेंजेंट और नॉर्मल यहां पढ़ रहे हैं तो वो बात पढ़ रहे हैं कि जो फंक्शंस कोनिक सेक्शन के थ्रू, यानी जिनका ग्राफ कोनिक सेक्शन में हम बना लेते थे, जिनके जैसे कि सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना होता था, एलिप्स का, हाइपरबोला का, पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशंस, कंडीशंस के ऊपर सवाल, ये सारी चीजें हम कोनिक सेक्शन में ही करेंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल का वो चीज पढ़ेंगे जो कोनिक सेक्शन के पार्ट का नहीं होता। जैसे मान लो साइन एक्स फंक्शन आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टाइप का आ गया, ई की पावर एक्स फंक्शन आ गया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कोई सा भी आ गया, लॉग एक्स आ गया, तो ये सब चीजें अगर हमारे सवाल में उपस्थित रहेंगे और तब टेंजेंट का इक्वेशन पूछेगा तो कैसे निकालना है, वो चीज यहाँ पे सीखना है। बेसिकली हमारा पर्पज यही है। तो हम आप बात करने वाले हैं क्या चीज, मैंने क्या आपने अभी बोला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, EOT का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, EON का मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर डिफाइंड फंक्शन। किसके लिए अपन लोग पढ़ेंगे आज? डिफाइंड फंक्शन के लिए, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, आ जाओ सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं कि इफ एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फटाफट थोड़ा जल्दी लिख लिया जाए, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो, जीरो जब x इज इक्वल टू जीरो हो, देन कहेगा कि देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ओरिजिन जीरो कामा जीरो। मान लो कि इस पे बोल रहा है ओरिजिन, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो भाई क्या करना है, अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखना है तो क्या चाहिए अपने को? स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, जो कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो कामा वाई इक्वल टू जीरो पे निकालना है। इसी पे निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन, यानी एफ डैश जीरो निकालना है, मतलब जीरो पे डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश जीरो। अब याद करो पीछे क्यों चैप्टर पढ़ते थे, डिफ्रेंसिबिलिटी क्यों पढ़े हैं, इसी दिन के लिए तो पढ़े हैं कि अब यहाँ पे डिफ्रेंसिबिलिटी यूज करेंगे। एफ डैश जीरो का फार्मूला क्या था? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। आई बात समझ में? तो जरा देखो तो एफ ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बोलो एफ ऑफ एच क्या इसमें पुट होगा कि इसमें पुट होगा? पुट किसमें करेंगे? क्या इसमें पुट करेंगे? क्या जहां पे जीरो नहीं है और एच भी जीरो के टेंड कर रहा है, मतलब जीरो नहीं है, ये क्लियर सा मतलब है, तो इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर साइन वन बाई एच माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो दे रखा है, डिवाइडेड बाई एच। आगे अगर बात किया जाए तो क्लियर सा है, यहाँ पे देखो एक एच से एक एच कट गया, जैसे हमने लिमिट पुट किया तो जीरो इंटू साइन इनफाइनाइट, और मैं ये बता चुका हूँ कि साइन इनफाइनाइट की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होता है, उसके मल्टीप्लाई किया तो जीरो, यानी डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ गया जीरो, मतलब एम की वैल्यू जीरो हो गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो क्या होता है? क्या वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट जिस भी पॉइंट पे पूछ रहा है वो एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, यानी वाई माइनस जीरो इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो, क्या आंसर आ गया? वाई इक्वल टू जीरो, ये स्लोप, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो एक तो सीधा सीधा तरीका हो गया कि इस ये y equal to 0 का मतलब x axis होता है, तो x axis के perpendicular कोई line सीधे y axis मतलब x equal to 0 answer होना चाहिए, या दूसरा तरीका है कि second method y minus y1 equal to 1 upon minus dy by dx। देखो पहले दिन मैं करा चुका था ये,
जीरो कामा जीरो एक्स माइनस एक्स वन, क्या ये वाई माइनस जीरो इक्वल टू वन अपॉन जीरो एक्स माइनस जीरो, ठीक है ना, एक्स माइनस जीरो तो क्या आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही एक्स बराबर जीरो आ गया, इक्वेशन आप नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, डिफाइंड फंक्शन होगा, करना कुछ नहीं है, जीरो कामा जीरो यानी जो भी पूछेगा जिस भी पॉइंट पूछेगा उस पॉइंट पे हम लोग निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि डिफाइंड फंक्शन ही थोड़ा अलग तरह से डिफाइंड हो, पैरामेट्रिकली डिफाइंड हो, जैसे इफ एक्स एंड वाई आर डिफाइंड, क्योंकि सवाल आपके सामने किसी भी तरीके से दे सकता है, डिफाइंड बाई पैरामेट्रिकली, पैरामेट्रिकली अगर पैरामेट्रिकली डिफाइन करें, डिफाइंड बाई पैरामेट्रिकली एज y इक्वल टू टू टी प्लस टी स्क्वायर साइन वन बाई टी, जब t नॉट इक्वल टू जीरो हो, जीरो जब t इक्वल टू जीरो हो, एंड x इज इक्वल टू सपोज कुछ लिखा हो वन बाई टी साइन टी स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी और जब t नॉट इक्वल टू जीरो हो, और यहाँ पे जीरो जब t इक्वल टू जीरो हो, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं सिर्फ टेंजेंट निकालूंगा, नॉर्मल आप निकाल लेना, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट जीरो कामा जीरो, एट जीरो कामा जीरो मतलब x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो की वैल्यू यहाँ t इक्वल टू जीरो पे है, कहा है देखो x इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू जीरो पे है, y इक्वल टू भी जीरो एट t इक्वल टू जीरो पे है, देखो क्लियरली, देखो x की वैल्यू जीरो t इक्वल टू जीरो पे है, y इक्वल टू जीरो t इक्वल टू जीरो पे है, लेकिन क्या हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या dy by dx की जरूरत पड़ेगी, क्या dy by dx जीरो का मा जीरो, भाई ये ध्यान रखना कि जो ये है ना x, ये जो जीरो का मा जीरो है वो x और y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये x और y की वैल्यू है, जबकि यहां पे t की वैल्यू दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि dy by dt at t equal to 0 अपॉन डी एक्स वाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो, आपको हम बता दे रहे हैं कि सर आपका जीरो नहीं दिया होता तो क्या करते, अगर मान लो सपोज कि यहाँ पे टी इक्वल टू टू दे रखता है और यहाँ पे टी इक्वल टू वन दे रखा होता, अरे बात समझ में, और स्टिल जीरो का मैं जीरो पे पूछ रहा होता, तो हम कहते कि आपका डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू टू, उस केस में हम कहते टी इक्वल टू टू, और यहाँ पे कहते कि ये टी इक्वल टू वन, क्योंकि टी इक्वल टू टू पे वाई इक्वल टू जीरो हो रहा है, हम कहते एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है यहाँ टी इक्वल टू वन पे, वाई इक्वल टू जीरो हो रहा है टी इक्वल टू टू पे, बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर कट, ठंडा एकदम क्लियर हो कि आपका t इक्वल टू टू पे y इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू वन पे x इक्वल टू जीरो, dy बाई dt t इक्वल टू टू पर, dx बाई dt t इक्वल टू वन पर, ऐसे निकालते हैं बस इस, बट इस सवाल में IIT वाला क्या करता है, यही तो चेंज करता है, यहाँ पे बस यही चेंज करता है, और ऐसे ही चीज हमको लगता है हमने नहीं किया हुआ है, हम आगे फंस जाते हैं, ये है अपने पास। अब इसके बाद हम यहाँ से जरा dy by थोड़ा सा मैं अलग पेज पे यूज करता हूँ, dy by dx निकालेंगे, dy by dt निकालेंगे, कहाँ पे आपका t इक्वल टू जीरो पे, जरा dy by dt निकालेंगे, dy by dt at t equal to 0, इसका मतलब हो जाएगा आपका, देखो मैं लिख रहा हूं लिमिट t टेंडिंग टू 0 या h टेंडिंग टू 0 या जो भी लिखना हो h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे y ऑफ h माइनस या y ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि t की जगह पे 0 माइनस y ऑफ 0 अपॉन आपका नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा आपका h, और सब कुछ वैसे ही देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, t की जगह पे h पुट हो जाना है तो 2h प्लस h स्क्वायर साइन 1 बाई h साइन 1 बाई h माइनस 0 अपॉन h, ले आके डिवाइड किया, ये हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h साइन 1 बाई h, और कुल मिला के ये चीज आपकी क्या है फाइनली, यहां से जैसी लिमिट पुट किया आंसर आ गया 2, मतलब आपका dy by dt at t इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ गई 2। अब जरा निकालते हैं dx by dt at t इक्वल टू 0, डायरेक्ट कर दे रहे हैं भाई लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो डायरेक्ट लिखने के काबिल हम हो गए होंगे, मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये एच अपॉन एच माइनस जीरो, ये वाला नीचे आके एच बन गया, देखो नीचे वाला एच बन गया साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर, और ये दोनों साइन एच बाई एच के कंडीशन में वन आ गया, तो डीएक्स बाई डी टी ये आ गया। तो जरा बताओ यहाँ पे वापस यहाँ मुड़ जाते हैं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, वापस यहाँ पे स्लोप अपने को पता चल गया, therefore स्लोप का चल गया यहाँ पे, देखो dy by dt की वैल्यू 2 है, dx by dt की वैल्यू 1 है, यानी स्लोप की वैल्यू आ गई 1। किसका स्लोप? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रह गया भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रह गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया y माइनस वाई वन इंटू टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख लेना बस। अरे बात समझ में, तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे एक डिफाइंड फंक्शन के लिए। डिफाइंड फंक्शन के लिए क्या करेंगे, जैसा दिया हो उसके जिस बात पे दिया हो वहां पे dy by dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है अपने को, और फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का यूज करके इसका इक्वेशन निकाल देना है। बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ेंगे अपन लोग निकालेंगे ये चीज। आपका जब कोई टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, तो मतलब किसी बाहर के पॉइंट से पास कर रही है, तो आओ कहो निकालते हैं, when tangent passes through a point, एक और किसी पॉइंट से टेंजेंट पास करे through a point outside the curve, पॉइंट का हो outside the, या पॉइंट curve पे लाई ना करे, outside the curve, पॉइंट पे जो है कि टेंजेंट जो है पॉइंट के ऊपर लाई, कर्व के ऊपर लाई ना करे। कैसे, कहने का मतलब ये, देखो सिंपली कि ऐसा कोई अपना ग्राफ है, ये आपका कोई एक टेंजेंट खींचा गया और ये कोई पॉइंट, ये मान लेते हैं कि ए कामा बी से पास हो रहा है, पॉइंट ए कामा बी से पास हो रहा है, ये टेंजेंट कोई ए कामा बी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब क्या सवाल में क्या रहेगा गिवेन, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, फंडा बहुत सिंपल है, सवाल में गिवेन क्या रहेगा, गिवेन रहेगा गिवेन पॉइंट ए कामा बी, पॉइंट ए कामा बी वेयर टेंजेंट पासेस, ये बात रहेगी कि यहां से टेंजेंट पास करती है, टेंजेंट पासेस, और हमको क्या लगेगा कि ये वन कामा बी, जब ये बात रहेगा जब भी टेंजेंट हो नॉर्मल का सवाल हो, टेंजेंट जब भी बोले कि टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रही हो, तो हमेशा एक बार कर्व के ऊपर, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमेशा दूसरा काम कर लेना कि हमेशा चेक कर लेना, चेक पॉइंट जो गिवेन है, गिवेन पॉइंट ए कामा बी इज लाइंग ऑन कर्व आर नॉट, कर्व आर नॉट, ये जो केस है उस केस में कर्व पे लाई नहीं करेगा, अगर कर्व पे लाई करेगा तब तो काम ही बन गया कि वो उसको कर रहे वहीं पे dy by dx निकाल लिया और dy by dx उस पॉइंट पे निकाला, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया और इक्वेशन निकाल लिया। अगर लाई नहीं करता है तो तीसरा पार्ट, इफ नॉट लाई, क्योंकि अगर लाई कर गया तब तो कोई बात ही नहीं है, लाई करते ही आपको क्या करेंगे भाई, लाई करते ही इस पे वाला पॉइंट है तो dy by dx इस कर्व का निकाले, एक पे निकाले और वही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, फटाफट आंसर लगा दिए। अगर नहीं लाई करेगा देन सबसे पहला काम, देन एज्यूम पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको बोलते हैं पीओसी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मैं बोलता हूं इसको पीओसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बस टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, कॉन्स्टेंट नहीं है कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये मैंने इसको सबसे पहले मान लेना इस वाले पॉइंट को अल्फा कामा बीटा, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एज अल्फा कामा बीटा, चाहे आप अल्फा कामा बीटा मान लेना या एच कामा के मान लेना या एल कामा एम मान लेना, जो मर्जी वो मान लेना, चाहे क ख मान लेना, चाहे अ मान लेना, कुछ भी मान लेना, कुछ भी ऐसा मान लेना ताकि काम बन जाए। तो ये अल्फा कामा बीटा मान लिया आपने, अब ये मानने के बाद अब इसके बाद यूज क्या करना, चौथे नंबर पे बात अब बस यही खत्म हो जाएगी बात, देन यूज dy by dx किस पॉइंट पे, अल्फा कामा बीटा पे, dy by dx एट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू a माइनस यानी b माइनस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा आपका b माइनस बीटा अपॉन
ए माइनस अल्फा स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो और दूसरा एक और बात रहेगा, एंड अल्फा कामा बीटा लाई ऑन द कर्व सेटिस्फाई द कर्व। ये इतनी बातें रहेंगी कि ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास दो इक्वेशन मिल जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्या क्या कि dy by dx at अल्फा कमा बीटा पे निकाल लिया उसको। ये देखो स्लोप ऑफ किसी भी एक लाइन का स्लोप क्या होता है, b माइनस बीटा a माइनस अल्फा। आ रही बात समझ में, तो हम इसका यूज कर लेंगे फिर अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मैं सवाल ले लेता हूं, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पासिस -3,0 ऑन द कर्व। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व, उल्टा लिख देता हूं, ऑन कर्व y इक्वल टू x की पावर 4 विच पासेस -3,0। देखो सवाल दिया है क्लियरली, तो आपके सामने जब जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, देखो गिवन पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, -3,0। क्या ये उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं, दूसरा काम चेक करने की जरूरत है। अगर चेक करते समय लाई कर गया तो काम बन जाएगा, तो चेक करो। चेक किया तो -3,0 जो है कि डज नॉट लाई, ये नहीं लाई कर रहा है, डज नॉट लाई, क्लियरली दिख रहा है कि डज नॉट लाई ऑन y इक्वल टू x की पावर 4। इसका मतलब फिर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि देखो इस बार तो इसका ऐसा जैसे ग्राफ हम बनाना जानते हैं, मान लो जैसे ग्राफ नहीं जानते हैं तो ऐसे हम रैंडम बना देंगे कि ये वाले पॉइंट से कोई टेंजेंट खींची गई है -3,0 से पास हो रही है। मैं स्टैंडर्ड की बात फिर से नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस बार ऐसा दिया जिसमें कि स्टैंडर्ड ग्राफ बनाया सकता है, लेकिन मैं फिर से नहीं बना रहा हूं। कोई आपका जर्नल ले लिया और इस पॉइंट को अल्फा कामा बीटा मान लिया, ठीक है ना, अल्फा कामा बीटा मान लिया, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, इसका स्लोप ऑफ लाइन, ये पहले हम dy by dx से निकाल लेते हैं, dy by dx निकालेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, और किस पॉइंट पे निकालना है, dy by dx at अल्फा कामा बीटा पे निकालेंगे तो 4 अल्फा क्यूब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 4 अल्फा क्यूब हो जाएगा। और दूसरा और क्या आ जाएगा यहां से दूसरा, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या कहा कि dy वाई बाई डी एक्स किसके बराबर कर देना भाई, किसके बराबर कर देना कि ये 0 माइनस बीटा अपॉन -3 माइनस अल्फा। आ रही बात समझ में। अच्छा दूसरा एक और चीज और एक और बात मैंने कहा था, अल्फा कामा बीटा इस पे लाई कर रहा है क्या, अल्फा कामा बीटा लाई ऑन y इक्वल टू x की पावर 4 मीन्स बीटा इक्वल टू अल्फा की पावर 4। एक इक्वेशन ये भी है अपने पास, सभी चीजें अपने पास इकट्ठा हो गई। अब इसके जगह पे 4 अल्फा क्यूब पुट होगा, इसके जगह पे देखो बच्चों यहाँ पे पुट हुआ 4 अल्फा क्यूब, यहाँ पे पुट हुआ माइनस माइनस सब प्लस हो गया तो बीटा अपॉन 3 प्लस अल्फा। बीटा के जगह पे पुट होगा देखो यहां से अल्फा की पावर 4 अपॉन 3 प्लस अल्फा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 अल्फा क्यूब 3 प्लस अल्फा माइनस अल्फा की पावर 4 इक्वल टू 0। अल्फा क्यूब कॉमन हो गया, यहां पे बच गया 12 प्लस 4 अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा क्यूब और ये देखो आपका 3 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, बोलो बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अल्फा की वैल्यू -4, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू 0 तो बीटा इक्वल टू भी, देखो यहां से बीटा इक्वल टू भी 0 या बीटा इक्वल टू अल्फा की पावर 4 यानी 256। 4 की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 16 में मल्टीप्लाई हुआ 256, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया भाई, पॉइंट क्या हो गया, एक 0,0 हो गया, एक -4,256 हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, दोनों के लिए निकाल लिया। अगर हम इसके लिए निकाले तो y-0 इक्वल टू स्लोप कितना आया भाई, स्लोप कितना आया, 4 इंटू अल्फा 0 है का इस पर स्लोप 0 स्लोप आया, तो 0 इंटू अरे मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, ये देखो यही तो है अपने पास, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये y-0 इक्वल टू 0 इंटू x-0 आंसर हो गया y इक्वल टू 0। एक लाइन हो गया,
यहां से आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, देखो यहां से 4 इंटू अल्फा क्यूब यानी 4 इंटू माइनस 4 की पावर 3 यानी माइनस 256, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया y माइनस 256 इक्वल टू माइनस 256 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 4, यही आपका आंसर हो गया। बोलो बच्चों बात समझ में आई। तो अगर सवाल ऐसे दिया रहेगा मतलब पॉइंट कोई बाहर का हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि उसको वही बिल्कुल dy by dx अपन मान लेंगे कि पहले पॉइंट कहां का अल्फा कमा बीटा का है। अल्फा कमा बीटा का मानने के बाद हम क्या करेंगे उसको, ये आपका स्लोप ऑफ यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx एट अल्फा कमा बीटा इक्वल टू b माइनस बीटा अपॉन a माइनस अल्फा, और बाकी दूसरा वो पॉइंट उसके ऊपर लाइक करेगा तो इससे दो इक्वेशन मिलेगी और दो इक्वेशन अल्फा बीटा दो ही अननोन है, सॉल्व करके आंसर ले आ देंगे। एक सवाल और करेंगे फटाफट। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0,0 टू वाई इक्वल टू साइन एक्स, देन फाइंड लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या इसी को ले लिख सकता हूं कि मैं इसी चीज को लिखा सकता है सवाल में कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वेयर टेंजेंट्स आर टचेज, जहां पे टेंजेंट्स इन टेंजेंट जो होंगे इनको टच करें, यही के पॉइंट को आपको उनका ही लोकस निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर सवाल होगा तो क्या एक बार जरा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स कह रखा है तो y इक्वल टू साइन एक्स का एक बार हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे कोई ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब इसका यहां पे 0,0 से टेंजेंट निकालना होगा तो देखो क्या टेंजेंट निकलेगा, क्या ये एक टेंजेंट ये होगा क्या, सॉरी मतलब थोड़ा सा ऊपर से ये वाला एक टेंजेंट होगा, एक टेंजेंट ऐसे जाएगा फिर एक टेंजेंट ऐसे जाएगा, देखो जा रहा है क्या ये टेंजेंट, ये एक टेंजेंट ऐसे जाएगा, तो जो ये पॉइंट है इन्हीं पॉइंट्स का अपने को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इन्हीं का लोकस चाहिए सवाल में कह रहा है। इस बार ऐसा है कि 0,0 से जहां से पास हो रहा है वहां से टेंजेंट भी पास हो रहा है, कर्व के ऊपर है लेकिन टेंजेंट 0,0 पे नहीं है, कॉन्सेप्ट यही वाला है। देखो 0,0 कर्व के ऊपर तो है, 0,0 फाइंड लोकस 0,0, हाँ 0,0 कर्व के ऊपर तो है लेकिन अपने पास एक प्रॉब्लम यह है कि ये यहां पे टेंजेंट नहीं खींची गई है, टेंजेंट तो कहीं और है, इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं है। तो उस केस में सर जी कैसे बनाएंगे, हम इस सवाल को कैसे करेंगे, बेटा कुछ नहीं, लोकस अगर निकालना है तो अपने लोग फंडा जानते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका एच कामा के है, लोकस निकालना है तो एच कामा के मान लेंगे और आखिरी में सबसे लास्ट में एच कामा के को वापस एक्स और वाई लिख देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, कहेंगे dy by dx की वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगी, के आपका के माइनस जीरो, देखो ये 0,0 है, के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो यानी के बाई एच की वैल्यू हो जाएगी। dy by dx कितना है इसका बोलो, तो है अपने पास कितना, साइन एक्स है इक्वल टू, तो dy by dx थोड़ा अलग निकालते हैं, dy by dx निकाला जाएगा आपका साइन एक्स, बात समझ में आया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा किस पॉइंट में निकाला गया है, एच कामा के पे निकाला गया है क्या, तो कॉस एक्स क्या मैं लिख रहा हूं, dy by dx इज इक्वल एच कामा के पे निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एच हो गया और इसकी वैल्यू हो गई आपकी वही के बाई एच के बराबर, मतलब कॉस एच की वैल्यू आ गई के बाई एच के बराबर। दूसरा एच कामा के कहां है, कहां पे लाई कर रहा है भाई, वाई इक्वल टू साइन एक्स पे लाई कर रहा है सर, मतलब के बराबर साइन एक्स पे लाई, साइन एच पे लाई कर रहा है सर, साइन आया का आंस आया, दिमाग क्या कहता है कि भाई साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच बराबर मान लो ना, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो सर जी ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया k की पावर
उल्टा हो गया, उल्टा लिख दिया, के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो गया आपका के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। फाइनली आया एच स्क्वायर के स्क्वायर किधर लेके चला आया, के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एच स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आपका लोकस हो गया। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, यही चीज आपका लोकस हो गया। और इस पे एक छोटा सा सवाल और करेंगे और बाकी उसके बाद हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पोर्शन पे आगे चलेंगे। जरा एक और सवाल करते हैं, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व y स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यू माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो एंड पासिस थ्रू कहां से पास कर रही हो बच्चों, 1, 2। तो सबसे पहला काम क्या है, पहला काम आपका ये है कि आप 1, 2 जो गिवन पॉइंट है उसको चेक करेंगे। तो आप सबसे पहला काम गिवन पॉइंट है भाई, फटाफट बिना टाइम की वेस्ट किए बिना बकवास किए आपका 1, 2 चेक किए। चेक करते ही अपने को दिखा, देखो ये दिखा आपका 2 क्यूब, ये दिखा -2, ये दिखा -4, फिर ये दिखा +8, 8 और 8 16 और 4 और 2 -6 16 और -6 10 आया, कितने भी कैसे भी करके 0 नहीं आया। तो not lie on curve, किस curve पे, 1, 2 पे, आई बात समझ में, 1, 2 पे, not lie on the curve 1, 2 पे लाई नहीं करता है 1, 2। तो फिर क्या करेंगे भाई, बस फिर फंडा वही है dy/dx निकालेंगे। देखो हम फिर से रैंडम कर मान लिया हमने, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, ये 1, 2 है, इसको क्या मान लिया हमने, अल्फा कामा बीटा, ये कर्व क्या है, वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यू माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, यही है। अच्छा बोलो क्या अल्फा कामा बीटा कर्व के ऊपर लाई कर रहा है क्या, अल्फा कामा बीटा लाई ऑन द कर्व, अगर इस पे कर्व पे लाई कर सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा क्यू माइनस फोर बीटा प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, एट इज इक्वल टू जीरो आपका। इसके बाद से अपने पास रहेगा कि बीटा, तो यहां से अच्छा दूसरा dy/dx आपका हो गया कितना, dy/dx हो गया 2 - β/1 - α, dy/dx कितना हो गया 2 - β/1 - α। अच्छा ये तो dy/dx हम तो कह रहे थे कि इसका यूज करना है, लेकिन अपने को d, अच्छा कहां पे निकालना है, अल्फा कामा बीटा पे भी, तो dy/dx निकाला जाए पहले और अल्फा कामा बीटा पे उसका पुट कर दिया जाए, dy/dx इसको इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहां से देखो ऊपर से सबको दिखेगा 2y, dy/dx निकालने के लिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2x³ - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो ये बच्चों 2y dy/dx माइनस 6x² माइनस 4dy/dx इज इक्वल टू 0, dy/dx हुआ कॉमन, 4x² गया उधर, नीचे में बचा 2y - 4 और यहां से 2 कटा, कटने के बाद बचा dy/dx एट अल्फा कामा बीटा, डायरेक्ट कर लें एक लाइन थोड़ा सा कंजूसी कर लें, 6α² - 2β - 2। ये कितना दे रखा है देखो, तो ऊपर में तो ये भी दे रखा है आपका 2 - β दे रखा है, तो इसको ये लिख लेते हैं 2 - β/1 - α = 6α² / β - 2। ये काम कर लेते हैं थोड़ा और अच्छा लिख लेते हैं, β - 2 नीचे भी α - 1 ऊपर नीचे से माइनस कॉमन कर लिया, 6α² / β - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही β - 2 का होल स्क्वायर आया और ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ आपका 6α² α - 1। एक इक्वेशन ये आ गई, कहीं से एक और इक्वेशन का जुगाड़ हो जाता तो अपना काम बन जाता, कहां से जुगाड़ किया जाए, तो यहां से सर जी ये आया तो हुआ है, ये जुगाड़ करते हैं ना, क्या है अपने पास
बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा क्यूब माइनस फोर बीटा प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। जहां पे बीटा स्क्वायर माइनस फोर बीटा देखा, दिल में एक हलचल मची। हलचल किस चीज की मची? कि बीटा माइनस टू का होल स्क्वायर होने का पूरा चांस है। यहां से प्लस चार आया, प्लस चार इसमें से उड़ा लिया हमने, तो माइनस टू अल्फा क्यूब प्लस फोर बच गया। ये बात समझ में? देखो अभी भी स्टिल वही है, बीटा स्क्वायर माइनस फोर बीटा प्लस फोर एट माइनस टू अल्फा क्यूब यही है। मतलब क्या हुआ भाई? बीटा माइनस टू इधर, अल्फा क्यूब प्लस वन। अच्छा जी, अच्छा जी, बीटा माइनस टू की वैल्यू उठा कर रखो ना यहाँ पे, काहे लिया आया हुआ है ये? अल्फा माइनस वन है क्या ये? और ये कितना है? टू अल्फा क्यूब प्लस टू है। कहाँ से ये प्लस टू आया? ये क्या आया? ये क्या आया? नहीं, यहाँ से कुछ गड़बड़ है। इसको तुम जैसे लिखा है वही लिखो, टू अल्फा क्यूब माइनस फोर लिखो, ठीक है ना? ये लिखा है टू अल्फा क्यूब माइनस फोर, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहां से फाइनली क्या आया? इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये सिक्स अल्फा क्यूब माइनस सिक्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका है टू अल्फा क्यूब माइनस फोर। इसको इधर लेके आ गया, फोर अल्फा क्यूब माइनस, यहां पे क्या बच गया अपने पास? और क्या बचा यहां पे बच्चों? देखो तो फोर अल्फा क्यूब माइनस, यहां बच गया सिक्स अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई अपने पास इक्वेशन या कुछ ऐसा हो रहा है क्या सेटिस्फाई करने वाला? क्या यहाँ पे कुछ सेटिस्फाई करने वाला मिल रहा है क्या? जरा चेक कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से भी जरा चेक करके आ जाते हैं कि यहाँ से बी माइनस टू का होल स्क्वायर सिक्स अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस वन यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे बीटा माइनस टू का होल स्क्वायर लिया हमने, तो प्लस चार की जरूरत पड़ी, प्लस चार हमने ले लिया। यहाँ पे प्लस फोर रह गया, टू अल्फा क्यूब इसमें रह गया, टू अल्फा क्यूब उधर चला गया, टू अल्फा क्यूब माइनस फोर हो गया, टू अल्फा क्यूब माइनस फोर हो गया आपका यहाँ पे। ये जरा अल्फा की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या, एक बार जरा सा टू चेक कर लेते हैं। ये चौबीस हो जाएगा, ये आठ, बत्तीस और चार, टू नहीं चेक नहीं किया, माइनस टू कर लेते हैं एक बार जरा चेक कर लेते हैं, वो भी नहीं करेगा, वन चार चार आठ, और ये माइनस वन भी नहीं करेगा, क्या निकल के आएगा? तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं क्या निकल के आएगा। हाँ, तो इसमें जो है कि यहाँ पे चेक करो तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थ्री अल्फा स्क्वायर था, ये थ्री अल्फा स्क्वायर ही, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा, ये थ्री अल्फा। अरे भाई यहाँ पे दो कटा ना, ये दो से देखो, दो से दो कट गया, यहाँ पे बीटा माइनस टू तो आ गया, मैंने दो काट दिया, ऊपर से दो काटने मेरे से मिस्टेक हो गई। यहाँ पे थ्री बीटा स्क्वायर, तो यहाँ भी अपने पास यहाँ पे ये सब तो ठीक है, यहाँ पे हाँ ये थ्री बीटा स्क्वायर यहाँ आ गया, और यहाँ पे भी ये थ्री बीटा स्क्वायर हो गया। ये जरा सा दोबारा चेक करने के बाद थ्री अल्फा क्यूब हो गया यहाँ पे, यहाँ पे माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर हो गया, ये आके इधर बन गया आपका अल्फा क्यूब, ठीक है? यहाँ पे माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर अल्फा, देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अल्फा इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, देखो तो वन प्लस फोर, ये अल्फा इक्वल टू वन नहीं कर रहा है, अल्फा इक्वल टू माइनस वन कर रहा होगा, देखो तब अल्फा इक्वल टू वन नहीं कर रहा है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस वन पे चेक करो, माइनस वन रखा है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर और प्लस फोर कट गया, तो अल्फा प्लस वन आपके तीन फैक्टर हो गए। फटाफट अल्फा प्लस वन रख लेते हैं, और अल्फा प्लस वन फटाफट तीन फैक्टर मतलब ये रख लेते हैं तीन जगह पे। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया तो माइनस फोर अल्फा से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस फोर अल्फा हो गया तो प्लस फोर से मल्टीप्लाई किया, अल्फा प्लस फोर, अल्फा प्लस वन कॉमन हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा प्लस फोर इक्वल टू जीरो, मतलब अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस वन एक, और ये अल्फा माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस वन आया और अल्फा इक्वल टू टू आया, ठीक है ना? इसके बाद अपने पास अल्फा की वैल्यू आ गई, जरा तो वापस दोबारा यहां पे आते हैं, अल्फा की वैल्यू आ गई तो बीटा कितना हो जाएगा भाई? बोलो बीटा कितना हो जाएगा? तो नौ बीटा के लिए, नौ बीटा के लिए बीटा की कहीं तक कहीं इक्वेशन मिला होगा, देखो बीटा माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू मिला है थ्री अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस वन, सबसे टॉप पे जो लिखा हुआ है, तो बीटा माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या पुट करते हैं यहाँ पे? माइनस वन। अगर माइनस वन पुट किया तो ये हो गया थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो ये माइनस सिक्स, यानी बीटा माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स नॉट पॉसिबल, ऐसा कहीं संभव ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना? दूसरा अल्फा इक्वल टू एक जगह टू आया हुआ है वहां पे, तो ये बीटा माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू टू का स्क्वायर टू माइनस वन, ये हो गया आपका बीटा माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया ट्वेल्व, और बीटा माइनस टू इज इक्वल टू ये टू रूट थ्री प्लस माइनस, प्लस माइनस टू रूट थ्री, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया टू प्लस माइनस
टू रूट थ्री, ठीक है ना बच्चों, इतनी वैल्यू आ गई। अब आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये सर तो सीधे पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, अपने से सवाल में पॉइंट ही तो पूछ रहा था, पॉइंट आ गया। अल्फा इक्वल टू टू तो बीटा इक्वल टू टू प्लस आपका टू रूट थ्री है, या अल्फा इक्वल टू टू तो ये टू माइनस टू रूट थ्री है, यही आपका आंसर हो गया। बोलो बच्चों बात समझ में आई? तो और जरा ये इसका टॉपिक खत्म हुआ, अब आगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ना है, फटाफट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे अब।